हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर, और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं यहाँ पर कहाँ आ गई, जाना था कहीं, आ गई कहाँ। मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि दांत का दर्द बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। दवाई खा लेती तो बंद हो जाता है, तो दुकान थी बंद। तो हमने सोचा कि चलो हनुमान मंदिर यही है पास में, चाय बगीचे में, तो चलते हैं मंदिर के दर्शन ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। हम दर्शन करके निकल चुके हैं हनुमान बजरंग बली के। मैं गई किचन में सुबह सुबह। सबसे पहले बना रही हूँ मैं, क्या बना रही हूँ, हलवा। आज 14 है ना, तो 14 की कढ़ाई कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ खेड़ा पुस्ता है, तो फिर 14 के दिन कढ़ाई करते हैं। पहले सींचता है वो 3 दिन तक, और फिर उसके बाद हम कढ़ाई करते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ। तो मैंने थाली लगा ली है और मैं जा रही हूँ खेड़ा पूजन के लिए। ये रास्ता बहुत टफ है, और मैं उधर के रास्ते को आती हूँ। उधर रास्ता बंद हो रहा है, वो भगवान जी का कीर्तन चल रहा है, पाठ बैठा हुआ है, तो वो रास्ता बंद है। तो मैं इधर को आई हूँ, और इधर को तो बहुत टफ है रास्ता। यहाँ कर रही हूँ मैं खेड़े की पूजा। Oh, oh, oh.
निकल चुके हैं पूजा करके। श्याम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ मंदिर। मंदिर में हो रहा है कीर्तन, सुंदर कांड हो रहा था और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी अभी आई हूँ मंदिर से और मंदिर में आई है राम दरबार की मूर्ति, उसकी कल होगी स्थापना और कल ही कलश यात्रा होगी। और इतना अच्छा लग रहा है गांव में, तीन दिन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कीर्तन भजन कीर्तन चल रहे हैं, पाठ बैठा हुआ है। अभी अभी तो मैं सुंदरकांड का पाठ था आज और मैं वहीं से आई हूँ कीर्तन से, बहुत मन लगा, बहुत ज़्यादा मन लगा। और कल होगी कलश यात्रा और मूर्ति स्थापना होगी कल राम दरबार की मूर्ति लाई गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, आपने मेरे बच्चों को इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो आप सब बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो, आपने मेरे बच्चों को इतना ढेर सारा प्यार दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक कमेंट पढ़ के मतलब दिल खुश हो रहा था, दिल से आपके लिए बहुत बहुत दुआ है। बस बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप सब, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चों की तारीफ लिख रखी थी, मेरी तारीफ लिख रखी थी, तो बहुत अच्छा लगा। आप सब अच्छे हो तभी हम आपको हम भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।